तो फ्रेंड्स, आप में से लगभग सभी किसी ने सिविल कोर्ट का तो फॉर्म फिलअप किया ही होगा, चाहे वो फ्रेंड्स पीयून का पोस्ट हो, क्लर्क का हो, डिपोजिशन राइटर का हो या स्टेनो का हो। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे होंगे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी बहुत सारे लोगों ने। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ मिस्टेक्स, अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो उससे कैसे बचें, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि अगर आपने गलती से भी ये मिस्टेक किया हो तो आप इसको सुधार कर पाएं समय रहते हुए। ठीक है, और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट दूंगा। तो सबसे पहले, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जॉब के साथ साथ पूरी एनालिसिस बताते हैं, यानी कि फॉर्म निकलने के साथ साथ ज्वाइनिंग तक का जो सफर है आप हमारे साथ कर सकते हैं किसी भी वैकेंसी का। और साथ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया कि इस चारों पोस्ट पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, 7692 टोटल पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा सीट फ्रेंड्स आपको 3325 सीट जो आपको क्लर्क के अंदर है, इसके अंदर फ्रेंड्स लगभग 1700 सीटें हैं प्यून में। और बाकी जो ये दो जो है फ्रेंड्स, आपको पोस्ट डिपोजिशन राइटर का और स्टोनो का, यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम, स्टेनो का जो टाइपिंग का प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा गया है आपको, स्टेनोग्राफी में जो होती है स्टेनो टाइपिंग अलग से, उसके बाद कोड रीडर में भी फ्रेंड्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी गई है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो बाद में देखेंगे। चलिए इस वीडियो में फ्रेंड्स, ये सबसे पहला जो मिस्टेक लोग कर रहे हैं, पेमेंट डिटेल में गलती। तो ध्यान से सुनिएगा कि फॉर्म तो अब आप लोगों ने सबमिट कर दिया होगा, और जिनकी कुछ गलतियां हुई हैं उसको लॉगिन करके वो सुधार सकते हैं। तो उसमें क्या नहीं सुधार सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल डाला होगा आपने, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो गलतियां हैं वो सुधार सकते हैं। लेकिन उसमें पेमेंट में अगर किसी ने कुछ गलती कर दी हो, जैसे कि जो रेफरेंस नंबर आता है आपका SBI कलेक्ट पे, जब आपने पेमेंट किया होगा तो एक चलान आया होगा, चलान में रेफरेंस नंबर लिखा हुआ DU से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो वाला यूज करना था। बहुत सारे लोगों ने पेटीएम का, फोनपे का, गूगल पे का डाल दिया है, तो वो पहली मिस्टेक है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बताएंगे फ्रेंड्स क्या आप आगे कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी है। तीसरा है दोबारा फॉर्म आवेदन कर दिया है। चौथा है प्रिंट आउट करने के बाद उनको लगता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, किसी को लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए तो इसके जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको कैसे करना है। आगे फ्रेंड्स आपका नेम कैटेगरी, फादर नेम और मदर नेम में कुछ मिस्टेक है, या फिर आपने सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर गलत डाल दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, इसके रिगार्डिंग तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, लाइक करिएगा, तो ज़रूर इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए अब देखते हैं शुरू से। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि पेमेंट डिटेल में गलती हो गई है और आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपने फ़ोनपे या पेमेंट का रेफरेंस नंबर डाल दिया है, या फिर आपने पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर है वो तो सही डाला लेकिन उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप इनके हेल्प डेस्क में कॉल करके बात करेंगे तो ये लोग भी कंफ्यूज हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं कि आप दोबारा फॉर्म भरें ना भरें, क्या ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा या ना होगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा कंडीशन बताएंगे, क्योंकि ये मिस्टेक फ्रेंड्स बहुत सारे जो हैं अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट हैं, उनका मैक्सिमम लोगों का ये गलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, खुद काउंट कर लीजिएगा कितने लोगों की ये गलती हुई है। ठीक है, जिनका यहाँ पे रेफरेंस नंबर के जगह पे उन्होंने अपना फ़ोनपे का नंबर डाल दिया है या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है पेमेंट का जो डेट है उसके जगह पे। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए, सबसे पहले तो आपका पेमेंट तो कट गया, अब आप सोच रहे होंगे कि दोबारा पेमेंट करके फॉर्म भर लें। ठीक है, यही माइंड में आ रहा होगा ना कि दोबारा से फॉर्म भर लेते हैं, गलती हो गई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो जाए और मैं एग्जाम दे पाऊँ, तो माइंड में आ रहा होगा कि दोबारा फॉर्म भर ही लेते हैं, भाई रिस्क क्यों लेना। एकदम सही है, आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही है वो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ सावधानी ये आपको रखना है कि फ्रेंड्स जो इसका डेट है वो 20 अक्टूबर तक है शायद। ठीक है, अगर मैं सही गलत हूँ तो वो मत बोलिएगा सर आप गलत हैं, 20 अक्टूबर तक है शायद। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 5 या 6 दिन जब इसके बचे होंगे, यानी कि आपको 14 या 15 तारीख तक का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि आपके तो पेमेंट ऑलरेडी कट चुका है, या फिर आपने चालान काटते समय आपने हो सकता है कि गलत वहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट कर लिया हो, गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हो, वो भी आपके मन में होगा। तो ये एक प्रॉब्लम मैं ऐड करूँगा, चलिए ये चीज़ बढ़िया याद आ गई मुझे, चालान में गलती। ठीक है, इसके लिए मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं पेमेंट डिटेल में। जैसे कि मैंने बता रहा था कि रेफरेंस नंबर या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है,
तो आपको क्या करना है कि आपको 5 या 6 दिन पहले तक इंतज़ार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उसको सुधारने का मौका वहाँ पे आएगा। और आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से पेमेंट किया है, सही किया है, सब कुछ आपका ओके है, लेकिन आपने बस पेमेंट डिटेल भरते समय रेफरेंस नंबर के जगह पे कुछ और डाल दिया और पेमेंट डेट के जगह पे कुछ और डाल दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर वन है। आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है कि कहीं इसका भी करेक्शन डेट आ सकता है। तो कैसे करेक्शन डेट आएगा, अगर आप लोग मैक्सिमम है, बहुत सारे लोगों के साथ अगर ये प्रॉब्लम हुई है, तो हेल्प डेस्क का एक ईमेल आईडी है, जो आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो नीचे को आपको दिख रहा होगा हेल्प डेस्क का, आपके स्क्रीन पे भी वो ईमेल आईडी मैं दिखा देता हूँ। तो इस ईमेल पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको ईमेल करें, साथ में प्रिंट आउट और साथ में प्रिंट जो चालान है वो आपको ईमेल कर देना है उनको, ताकि एक रिकॉर्ड रहे उनके पास कि हाँ मैक्सिमम छात्रों की ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, ठीक है। जब ऐसा आप करेंगे तभी हो सकता है कि आपको पेमेंट डिटेल्स सुधारने का मौका दिया जाएगा। वो कर सकते हैं, वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, चालान में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो वहाँ से कुछ सुधार करने का ऑप्शन नहीं वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो वेबसाइट है वो SBI कलेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको लॉजिकल और एकदम फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं तो कोई जानकार आदमी हो उससे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जो मैं बातें बताऊंगा एकदम जेन्युइन होगा और वही लॉजिकल है, ठीक है। तो इंतज़ार कर सकते हैं। दूसरी गलती फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन में गलती है, ठीक है। मान के चलिए कि फ्रेंड्स अगर कोई राहुल नाम का कैंडिडेट है, वो फॉर्म भरते समय राहुल के जगह पे उसने अपना राहुल कुमार के जगह पे एक डबल ए कर दिया राहुल में, RHUL, या फिर उसने कुमार में कोई स्पेलिंग गलती कर दी, या फादर्स नेम में गलती कर दी, या मदर्स नेम में गलती कर दी, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, या फिर कैटेगरी गलत कर दी, ठीक है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा सवाल आपको मैं बता दूं, एक नाम के बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, और जब आपने नाम में ही गलती कर लिया है, फादर्स नेम में या मदर्स नेम में ही गलती कर लिया है, तो यहाँ पे आप आसानी से दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग इंतज़ार करने के लिए उनको ज़रूरत नहीं है, वो लोग आसानी से दूसरा फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा सेम डिटेल से रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेम डिटेल से अगर आपकी गलती नहीं है रजिस्ट्रेशन में, दोबारा करते हैं पेमेंट डिटेल के कारण, तो उनके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन से दो जो रजिस्ट्रेशन वहाँ शो करेंगे, ठीक है। तो ये लोगों को वो गलती नहीं करनी है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन में ही गलत है, आपने नाम ही गलत कर लिया है, तो आप सही नाम डाल के, सही कैटेगरी डाल के, सही फादर नाम डाल के, सही मदर नाम और सही आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के दोबारा कर लीजिए, उसमें सोचने के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। तो इनका तो सोल्यूशन मैंने बता दिया कि इनको कुछ सोचना ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी गलती है किसी प्रकार की तो आपको दोबारा फॉर्म भरने के लिए सोचिएगा नहीं, ठीक है। कुछ लोग क्या गलती कर दिया कि रजिस्ट्रेशन में तो गलती कर ही लिया और उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट करने के बाद उन्होंने और आगे जाके फॉर्म भी सबमिट कर दिया, ठीक है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस रजिस्ट्रेशन में अपना नाम ही गलत कर लिया, पापा का ही नाम बदल दिया है, अपनी मम्मी को एक नाम बदल दिया है, तो फ्रेंड्स वो कैंडिडेट ही अलग हो जाएगा ना। जब आप अपना सही वाला डिटेल डालोगे और जो गलत होगा तो सही डिटेल वाला ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, गलत वाला को ऐसे ही ब्लैंक हो चला जाएगा, खाली रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा फ्रेंड्स आपको बताते हैं दोबारा फॉर्म आवेदन किनको करना है। तो इनको करना है जिनका रजिस्ट्रेशन में गलती है, तो वो लोग आसानी से दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों को फ्रेंड्स इंतज़ार करनी है, जिन्होंने पेमेंट डिटेल में गलती करी है उन लोगों को ये आपको 5 या 6 दिन पहले तक इंतज़ार करना है। चलिए और आगे फ्रेंड्स, आपको प्रिंट आउट में डेटा मिसमैच है। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा, अरे यार मैंने तो एकदम एक एक सेकेंड में सब कुछ मिला के अच्छे से, हर एक स्टेप को देख के, हर एक स्टेप को चेक करके मैं फॉर्म सबमिट किया है, फिर भी यार प्रिंट आउट में यार इसके जगह पे ये आ रहा है, उसके जगह पे वो आ रहा है, साथ में फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, मैंने सिलेक्ट किया था 5 जनवरी 1994 और मेरे में आ रहा है 1/5/1994, ऐसा कुछ भी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो वो फ्रेंड्स प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में उल्टा सेट किया हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कंप्यूटर में, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वो सही, अगर आपने सही फिलअप किया है तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी किसी का उल्टा ही आया होगा। यहाँ पे देखिए नेम कैटेगरी फादर नेम और मदर नेम, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रजिस्ट्रेशन की गलती है, इस अगर ये गलती आपकी है तो आप दोबारा से फॉर्म भर लीजिए, सॉल्यूशन इसका भी ऑलरेडी हो चुका है, ये दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर में जिन्होंने गलती करी है, तो जिन्होंने गलती करी है सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर में, वो लोग दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, दोबारा से लॉग आउट कर लीजिएगा। जब फॉर्म आपका प्रिंट आउट निकाल लिया आपने, आप चाह रहे हैं कि भैया मेरा तो मिस्टेक हो गया, सीरियल नंबर गलत है, तो दोबारा से लॉगिन करके इसको सुधार सकते हैं। अगर आपका एड्रेस में गलती है या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती है, फोटो सिग्नेचर में गलती है, तो आप लॉग आउट करके लॉगिन करिए और इन चीज़ों को सुधार सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे साथ में मैं ये लिख देता हूँ, फोटो सिग्नेचर या फिर आपका जो हैंड रिटन स्टेटमेंट है, जो घोषणा पत्र है, ये जो फ्रेंड सिग्नेचर का है एक लोचा, बहुत सारे लोगों ने ब्लू पेन से किया है तो ब्लैक पेन से करना था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी रेलवे ने क्या किया था हाल ही में, सिग्नेचर के कारण बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए थे। तो ये तो फ्रेंड सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, उनको तो बस एक छोटा सा रीजन चाहिए होगा आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का। और वैसे ही फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ा ये मार्केट में फैला हुआ है कि बहुत सारे लोगों को ये जानबूझ के रिजेक्ट करने के लिए ऐसा फॉर्म बनाया गया है, कुछ कंडीशंस ऐसे रखे गए हैं जैसे कि स्टेनोग्राफी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, ऐसी माने छात्रों की कि ऐसे एक भी छात्र ही नहीं अवेलेबल हैं जिनको दोनों आती होगी। ठीक है, अगर होंगे भी तो फ्रेंड्स एक दो, तो बाकी तो सीटें खाली रह जाएंगी ना। तो ये पता नहीं किस सोच से बनाया गया है। दूसरी चीज़ है कि फ्रेंड्स टाइपिंग का सर्टिफिकेट कभी नहीं मांगा जाता था, टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए उन लोगों को जिनको टाइपिंग आती है। भाई घर में टाइपिंग सीख रहे हैं अच्छे से, क्या जरूरी है कहीं से जाके आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट ला के दिखाने का। तो ये लोचा है, और इस कारण से अगर किसी का सर्टिफिकेट गलत हो गया, कुछ आपने बनवा के डाला, फ्यूचर में उनका वेरिफिकेशन करके उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे यार, बहुत ही गलत है। आप लोगों को लगता है कि मेरे पॉइंट्स सही हैं तो आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे जिसको आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है या फिर छात्रों तक ही पहुंचा दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ गलती हो रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टोनो का भी गलत है, कोट रीडर के लिए फ्रेंड्स आपको चलिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो मांग लिया वो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट मांगने की क्या ज़रूरत है। और इवन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें टाइपिंग वो तो चेक करेंगे ही स्किल टेस्ट के टाइम पे कि टाइपिंग आती है कि नहीं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी का मांग रहे हैं तो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए फ्रेंड्स पहले सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, बस वो देखा जाता था कि नॉलेज है कि नहीं बंदे को, वही दैट इज इनफ, उसके लिए सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है। फिर भी चलिए यूपी को फॉलो किया जा रहा है, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी में देखा जा रहा है कि यूपी में CCC मांगा जाता है बहुत सारी वैकेंसी में, तो यहाँ पे भी अब ये नया सिस्टम जारी किया जा रहा है कि भाई कंप्यूटर का आपको नॉलेज है तो सर्टिफिकेट ला के दीजिए। तो आपको क्लर्क में भी मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर, कोड रीडर में भी मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर, कोड रीडर में आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो ये चीज़ें गलत है, और इन चीज़ों पे फ्रेंड्स मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा जो भी छात्रों की प्रॉब्लम है उसको लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, जिनको दोबारा फॉर्म भर लेना है, जिनका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन में मिसमैच है और उनको किसी भी स्टेप पे आगे दिक्कत हो सकती है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा प्लीज़। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद मौका तो देंगे ही ये लोग, तो ऐसी गलती मत करिए। हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि आप लोग 15 अक्टूबर तक वेट कर लीजिए, अगर उसके बाद भी सुधार का मौका नहीं आता है, किसी भी प्रकार की आपकी गलती हो गई है किसी भी प्रकार की गलती, तो आप वेट करना अभी आपके लिए सबसे अच्छी सबसे अच्छा ऑप्शन है, वेट करिए। उसके बाद अगर सुधार का ऑप्शन नहीं आता है तब आपको फिर दोबारा फॉर्म भर लेना है, और वो भी बिल्कुल सही डिटेल के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल पे फ्रेंड्स प्यार दिखाइए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको बहुत सारी आगे चीज़ें जो बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो फ्रेंड्स सारी रिसर्च करके एक्सपर्ट्स जो लोग वहाँ बैठते हैं उनसे बात करके हम लोग वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जेन्युइन जॉब अपडेट्स रोज़ मैं लेके आता हूँ, और जो जॉब अपडेट लेके आता हूँ वो लोग देखते ही नहीं है, अच्छी बात है। उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि वैकेंसी आती नहीं है, आप लोग बस वीडियो बनाते हैं, यार देखा करो। कल रात को मैंने 990 पोस्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे SSC के अंदर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है वो बनाई, उससे पहले फ्रेंड्स 3 दिन जो जॉब निकली हुई है अभी वर्तमान में भरी जा रही है वो बनाई, वो लोग नहीं देखते हैं, जो मुद्दा वाला है वो देखते हैं और नीचे कमेंट कर देते हैं कि रोज वैकेंसी आती है, क्या मजाक है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।